हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो टॉपिक हमारा क्या है, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ। सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सी। वर्ष 1986 बैच के भारतीय रेलवे सर्विसेज मैकेनिकल के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने भारतीय रेलवे को वर्ष 1988 में ज्वाइन किया था और इनकी नियुक्ति जो है वो 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हुई है। सतीश कुमार जो है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। सतीश कुमार जो है वो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष व सीईओ बने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दो तरह से फ्रेम होते हैं, कैसे कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, सतीश कुमार। दूसरा प्रश्न किस तरह से फ्रेम होता है कि रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं, तो वहां पर भी हमारा उत्तर क्या होगा, सतीश कुमार। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है, अर्थात इनसे पहले कौन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे, तो उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। जब रेलवे की बात हो रही है तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।